टू माई चैनल सिंपल लाइफ स्टाइल विद वर्णिका। तो वर्णिका के चैनल पे आप सभी का स्वागत है एक बार। और हम लोग अभी जा रहे हैं फिनिक्स मॉल जो कि आलमबाग के पास है। तो हम लोग को थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ का एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया जाए। और आलमबाग के पास फिनिक्स यूनाइटेड मॉल है। जो भी इस मॉल में गया है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं फिनिक्स मॉल, आपको दिखाते हैं यहाँ का। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिक्स यूनाइटेड मॉल, आप लोग को दिख ही रहा होगा उसकी ये बिल्डिंग है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया जाते समय पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं, वो नॉर्मल सी कॉस्ट होती है, वो सबको देना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस हम लोग दे के उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्किंग में। ऊपर चल रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में नहीं जा सकते थे, भीड़ थी काफी ज्यादा और सेफ भी नहीं है समय, तो इसलिए सबसे बढ़िया सीढ़ियों से चलो, वो ज्यादा सही है। तो हम लोग चल रहे हैं ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में। आप स्टेयर से जब आप ऊपर आओगे तो बेसमेंट पड़ेगा, बेसमेंट के बाद आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसमेंट पे आने के बाद सबसे पहले पड़ता है मैक्स का शोरूम। यहाँ पे कई सारे शोरूम हैं, जैसे मैक्स का है और आपका ये ग्लोबस है और काफ़ी सारे शोरूम हैं आपको देखने को। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, एक बार विजिट ज़रूर करना अगर जो भी फिनिक्स यूनाइटेड मॉल आलमबाग में नहीं गया है तो। और कौन कौन गया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये हो गया बेसमेंट में, अब हम लोग चढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। और ये हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से आपको जो भी फिनिक्स मॉल का पूरा लुक है वो पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। हम लोग जिस समय गए थे उस समय चल रहा था गणेश उत्सव, तो ये गणेश जी की डेकोरेशन हुई थी वहाँ पे, ये मूर्ति स्थापित की गई थी। और मतलब जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेज़न रहता है तो उस हिसाब से यहाँ पर डेकोरेशन होती है। तो उस समय गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन थी। और ये हमारा है फिनिक्स यूनाइटेड मॉल। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि ग्राउंड फ्लोर में ही आपको मिल जाता है मैकडी और पेंटालून, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आपको बिग बाज़ार, एफबीबी और बहुत से सारे शोरूम हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। Thank you.
गए हैं सेकेंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपका क्या था कि जॉकी था, ब्लैकबेरी था, पैंटालून था, बिग बाज़ार भी था, और सेकेंड फ्लोर पे पड़ता है आपका बिग बाज़ार। और सबसे बढ़िया यहाँ पे जो है बीबा का शोरूम है, और किड्स वेयर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि ये पड़ता है होम टाउन। तो यहाँ पे पड़ता है होम टाउन, तो एक बार मेरे कहने से आप लोग ज़रूर होम टाउन में विज़िट करिएगा। यहाँ पे पूरी मतलब आपके घर से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और रिजनेबल प्राइस में हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। मुझे तो यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारी चीज़ें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो एक बार आप होम टाउन में ज़रूर विज़िट करिएगा। और यहाँ पे अभी क्या अच्छी बात है कि किसी किसी प्रोडक्ट पे, सब प्रोडक्ट पे नहीं बट किसी किसी चीज़ पे 50% ऑफ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हो सकता है मेरे कहने से आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पे पसंद आ जाए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में, अगर जो भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं होम टाउन। अब हम आ जाते हैं सबके मनपसंद और हमारे भी मनपसंद एरिया में, जो कि है टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट एरिया। तो आई होप कि ये सभी को पसंद है, और सभी लोग सबसे पहले यही ढूंढते हैं कहीं पे भी जाते हैं कि खाने पीने का आइटम कहाँ पे है। फूड कोर्ट एरिया सभी को बहुत पसंद होता है, तो बट मैं जिस दिन गई थी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो इस कारण, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी थी तो हम लोग नहीं बैठे क्योंकि स्पेस भी नहीं था, तो ये हुआ कि सेफ़ नहीं है, इससे अच्छा कि ठीक है नहीं बैठो, तो हम लोग बैठ नहीं पाए यहाँ पे, हम लोग नीचे चले गए थे। बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब रश था। और इसके ही ठीक सामने फूड कोर्ट एरिया के सामने यहाँ पे पड़ता है 99 स्टोर। 99 स्टोर का मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सिर्फ टैग है 99 स्टोर का, बट उसमें बहुत मामूली सी चीज़ ही 99 की है, और वहाँ पे 99 जैसा कुछ भी नहीं है। और यहीं टॉप फ्लोर पे पड़ता है आपका PVR, जो कि अभी क्लोज है, वहाँ पे कोई भी ऐसी मूवी शो वगैरह नहीं चल रही है, वो अभी बंद है। और ये 99 शॉप पे मैं आपको लेके चलती हूँ, वहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ। बहुत कमी चीज़ें हैं जो वहाँ पे 99 में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब 100 के ऊपर, 150 के ऊपर ही आपको वहाँ पे मिलेंगी। बट हाँ, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं तो आप लोग को ज़रूर एक बार दिखाती हूँ।
रिटर्निंग हो गए हैं नीचे पार्किंग के साइड में, और ये लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर है, और बहुत ज़्यादा हम लोग मैगडी गए हुए थे, बहुत ज़्यादा ही रश था, हद से ज़्यादा रश था, इसलिए हम लोग वहाँ पे कुछ खा भी नहीं पाए। ये हुआ कि चलो कहीं बाहर से खाते हैं। और उसके बाद हम लोग ये बेसमेंट में खड़े हुए हैं जहाँ हमने बताया था कि मैक्स का शोरूम है, वहीं पे है। वहाँ बच्चों के लिए सिर्फ एक टॉय ट्रेन रहती है। वहाँ पे मेरी बेटी रोने लगी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हें थोड़ा सा टॉय ट्रेन में घुमा देते हैं, तो उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ा। तो इसका जो चार्जेस है टॉय ट्रेन का वहाँ पे 100 रुपीज़ ईच है। तो वहाँ ये है कि आपको बच्चे के साथ बैठने देते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ ये टॉय ट्रेन में थोड़ा सा इन्जॉय कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, फिनिक्स मॉल का जो मैंने एक्सप्लोर किया है ये कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो हम लोग आगे हैं नीचे, अफसोस इस बात का कि हम लोग कुछ खा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा मैकडी में रश था, वहीं पे खाना था, ऊपर फूड कोर्ट में तो ऐसा कुछ खाने का प्लान नहीं था। तो ये हुआ कि चलो मैकडी में बर्गर वगैरह खा लेते हैं, बट बिल्कुल भी मतलब स्पेस नहीं था। तो ये हुआ कि चलो छोड़ो हटो, देखते हैं चले करते हैं बाहर, बाहर कुछ खाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि कौन कौन फिनिक्स मॉल घूम चुका है यहाँ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।